आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो आज हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं अल्मोड़ा। ओहो बहुत अच्छा, मजा आएगा। रास्ते में झोली भात खाएंगे। रास्ता लंबा है, कोई कहानी सुनाओ। तो चलो मैं तुम्हें सुनाती हूँ अल्मोड़ा के शेखर जोशी जी द्वारा लिखित कहानी गलता लोहा। बहुत अच्छा, वह यही के रहने वाले थे। मजा आएगा सुनकर, जल्दी सुनाओ सुनाओ ना। मोहन के पैर अनायास ही शिल्प का टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगुण शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुन रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धपधप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेट वाले हसवे को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पंडिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उसे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय ना समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है और ना वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भी दूर हटकर एक कनिष्ठर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो आप गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मासा भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुँचता ही, त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठाक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। चलो बेलो, आ गया छोली भात की दुकान, चलकर हम कुछ खाना खा लेते हैं। चलो चलो खाते हैं, उसके बाद कहानी सुनेंगे। हाँ मैडम बताइए, क्या चाहिए आपको? भैया पहले 1-2 कप चाय लाना, उसके बाद झोली भात। हाँ मैडम, कितने प्लेट झोली भात चाहिए आपको? अरे भाई 2 प्लेट बस। बस 5 मिनट रुकिए, झोली भात आपके लिए तैयार है।
मैडम जब से चाय आती है आप कहानी सुनाएं। हाँ तो सुनो आगे। मास्टर साहब कहते हैं पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई थी जातिगत हीनता के कारण धनराम ने भी कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतियर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनोवा 13 का पहाड़ा सुना तो? 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, सटक। एक संटी उसकी पिंडलियों पर मां साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूं। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मनबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मां साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहां लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूकने या सान लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का पेट चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़ बेत हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से ही उनकी विरासत संभाल ली और आस पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पंडिताई करने वाले वंचित तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। मैडम चाय आ गई है, थोड़ी देर में झोली भात लाता हूँ। हाँ ठीक है, और झोली चावल थोड़ा जल्दी करना। हाँ आगे कहानी सुनाए। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश की दलिद्रता मिटा दे यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदियों की समस्या अलग थी। तो भी वंशी डर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्याव्यासिनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते।
वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरे ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकार और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते ना पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी में एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर पे जहां चार प्राणी हैं एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो। उनकी आंखों से पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बांटने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन एक किलो आलू तो ले आ दे। औसत दफ्तरी वाले बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बथी बधाई लीक पर चलता था। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उस शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी को बहाना भर था। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गाँव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगती और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक दिन का उठाकर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभाग की परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था उसने सोचा।
दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहनलला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हसवे के फाल को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हसवे को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गुलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो नेहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर नेहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुखड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह से काम में उसी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। वाह, कहानी बहुत अच्छी थी।